Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you are doing well and staying safe for the current pandemic. So for today's makeup look, I created this green eye makeup look which we can carry on any wedding function matching your outfit as well as any party occasion. But I created this simple look specially for the upcoming Teej festival that is round the corner. So do mention in the comment section if you like this eye look, and if yes, comment down below with the heart emoji. Without any further blabbering, let us continue with the tutorial. And yes, before continuing, don't forget to subscribe to my channel and hit the like button. This would mean genuinely the world to me. So to prep my skin, main use karungi Tijori ka cucumber gel based moisturizer. बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है सो दैट आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाए बिफोर हम कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करें. देन मैं अपनी आईज प्रेप करूँगी. आप कोई भी आई मेकअप बेस यूज़ कर सकते हैं बट मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ सो दैट मेरे डार्क पिगमेंटेशन हाइड हो जाए. और मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी. आपको मेक श्योर करना है कि कंसीलर को आप ड्रैग ना करें, बस उसे अप्लाइड स्पॉट्स पे डैम्पिंग मोशन में ब्लेंड करें. अब मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी क्लेस्ट का कलर बोर्ड पैलेट. ये मैंने परचेज़ किया है कफ्स एंड लैशेज से, एंड आपने हॉल भी देख लिया होगा मेरा फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखना आफ्टर दिस वीडियो. मैं पहले लाइट ग्रीन कलर पिक करूँगी फ्रॉम द पैलेट एंड क्रिएट करूँगी अपनी ट्रांजिशन एरिया को. आपको मेक श्योर करना है कि अच्छे से ब्लेंड हो और कोई हार्श लाइन्स ना दिखे. देन मैं एक येलो कलर पिक करूँगी ऑन अ बिगर फ्लफी ब्रश एंड ग्रीन कलर के साथ ब्लेंड करूँगी. मेक श्योर टू ब्लेंड इट एज स्मूथली एज पॉसिबल. अब मैं एक स्मॉल प्रिसाइज ब्रश पे डार्क ग्रीन कलर पिक करूँगी एंड अप्लाई करूँगी ऑन आउटर वी ऑफ हर आई एज वेल एज इनर कॉर्नर. मेक श्योर टू ब्लेंड इट एज स्मूथ एज पॉसिबल. देन मैं एक क्लीन ब्रश से डार्क और लाइट कलर्स को ब्लेंड करूँगी सो दैट ये एक गुड ब्लेंडेड इफेक्ट दे. अब मैं सेम ग्रीन बोर्ड से ग्रीन शिमर पिक करूँगी एंड अप्लाई करूँगी ऑन माय आईलिड विद माय फिंगर, बिकॉज फिंगर से शिमर आई शेडोज अच्छे से अप्लाई होते हैं. देन मैं आईलाइनर अप्लाई करूँगी और मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का जेल बेस्ड आईलाइनर.
एंड मैं कफ्स एंड लैशेस का आईलाइनर ब्रश यूज करूंगी। अब हम बेस मेकअप यूज़ करेंगे। मैं पहले यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस प्राइमर। ये एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है फॉर ड्राई स्किन पीपल बिकॉज ये आपको हाइड्रेटिंग ग्लोइंग इफेक्ट देता है। देन मैं मेबलिन का एज रिवाइन कंसीलर यूज़ करूँगी टू हाइड माई डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। दिस इज़ इन द शेड कैरमल एंड ये एक टोन डार्क है मेरी स्किन टोन से, सो दैट ये एक करेक्शन इफेक्ट दे फॉर आर अनइवन स्किन टोन। आज मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और मेरा शेड है 3110 सन बेज। आई एम श्योर ये फाउंडेशन सबके पास होगा बिकॉज फर्स्टली ये बहुत इनएक्सपेंसिव एंड सेकेंडली बहुत अच्छी ड्यूई कवरेज देता है और मैं इसे सेम डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। देन मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी विद स्विस ब्यूटी का कंसीलर ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय फेस एंड अंडर माय आईज, सो दैट ये मुझे वेक्ड अप इफेक्ट दे। मैं इसे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। आपको मेक श्योर करना है कि कंसीलर को जहां अप्लाई किया वहीं ब्लेंड करें, इसे फेस पे ड्रैग ना करें वरना आपका फाउंडेशन मूव हो सकता है। Thank you.
देन मैं शुगर का लूज पाउडर यूज़ करूँगी और अपना फेस सेट करूँगी। मेरा शेड है कोकोचिनो। मैं स्मॉल ब्रश से अंडर आइज को सेट करूँगी एंड देन बिगर फ्लफी ब्रश से पूरा फेस सेट करूँगी। आपको ध्यान रखना है कि कंसीलर को सेट करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कंसीलर आई लाइन्स में सेटल ना हो जाए। नाउ इस कॉन्टोर ब्रश से मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी सो दैट मेरा फेस पतला दिखे एंड चिजल लगे। मैं कॉन्टोर शेड के लिए शुगर की फेस पैलेट यूज़ करूँगी एंड मैं अपने चीक्स, नोज एंड चिन को भी कॉन्टोर करूँगी। नाउ मैं ब्लश अप्लाई करूँगी सेम शुगर की फेस पैलेट से एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप ब्लश ऊपर को अप्लाई करें सो दैट आपका फेस अपलिफ्टेड लगे। अब मैं कर्व्स एंड लैशेस का ब्रश के साथ आईब्रोज डिफाइन करूंगी एंड उसके लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का ब्राउ पोमेड। नाउ मैं शुगर का कोल यूज़ करूँगी टू फिल माई लोअर वाटर लाइन एंड दिस इज़ इन द शेड ग्रीन। अब मैं इसे ग्रीन कलर को ब्लेंड करूँगी विद अ ग्रीन कलर फ्रॉम द पैलेट टू गिव इट अ ब्लेंडेड इफेक्ट। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी फ्रॉम द सेम शुगर पैलेट। मैं फैन ब्रश से चीक्स पे अप्लाई करूँगी बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट्स पे एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये बहुत ही अच्छा एक हाइलाइटर है फॉर बिगिनर्स एंड ये बहुत ही अच्छा ड्यूई इफेक्ट देता है एंड इसमें बहुत बड़े बड़े चंकी पार्टिकल्स नहीं है ऑफ हाइलाइटर। सो या That's the reason I love this highlighter from Sugar. Now मैं eyelashes apply करूँगी and मैं use कर रही हूँ बहुत ही affordable and best ever lashes from pack in the number M72 and मैं इसे Miss Claire के glue से in the shade dark tone से apply करूँगी। नाउ टू बैलेंस आर मेकअप लुक हम बहुत ही न्यूड एंड सटल लिप शेड अप्लाई करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्पोर का लिप लाइनर इन द नंबर 01।
एंड देन लॉरियल की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक यूज़ करेंगे इन द शेड 862 वलप्टो चौको. आई विल मैंशन द शेड डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो. And now I will get my hair done and wear some jewelry and will be right back. So guys, this is our final makeup look. I know we are not going out this festival, but you can keep yourself happy by applying makeup. At least this is what I do. So if you ever try this makeup look, do tag me on my Instagram. I will mention my Instagram handle in the description box below. Till then, thank you for watching and stopping by. Please don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel below. See you in the next video. Bye-bye.